माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। इसे मत कहो बेटा, तुम भी तो हमारी जान है। रहने दीजिए अम्मी, इन बातों से आप मुझे नहीं बहला सकती। सब पता है मुझे कि क्या हैसियत है मेरी आप लोगों की नजरों में। अब औलाद की तरफ से आने वाले इम्तिहानों को झेलने की हिम्मत नहीं है मुझ में, थक गया हूं। हौसला कीजिए, आप अकेले नहीं, मैं हूं आपके साथ। ये क्या तमाशा है? तमाशा? हम कर रहे हैं तमाशा? तुम कर रहे हो तमाशा? आप लोग चची घर कब जाएंगे मेरे रिश्ते की बात करने? अबू ने कहा था कि जब मैं वापस आ जाऊंगा तो आप लोग जाएंगे उनके पास। लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता अब आप लोगों को नहीं दूंगी, हरगिज भी नहीं। मैं अपने भाई के घर रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हूँ, उसका दिल नहीं तोड़ सकती। अब मेरी बेटी की शादी उसी घर में होगी। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। हमें हमारे बच्चे की जिंदगी लौटा दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इतना ही इसरार कर रहे हैं तो मैं अपना फैसला वापस ले लेती हूं। मगर शादी से पहले आप लोगों को घर मुस्कान के नाम करना होगा। और हां, उस घर में मेरी मुस्कान के ऊपर कोई रोक टोक हरगिज भी नहीं। वो अपने शौहर के साथ उस घर में जैसे चाहेगी, जिस तरह चाहेगी, जहां जाना चाहेगी, जो करना चाहेगी करेगी। किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होगी। जी, जैसा आप चाह रही हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। हमारे घर में मुस्कान पे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। मुझे भी आप लोगों से इसी क्यों है? औलाद कितना बड़ा इम्तिहान होती है। खुदा की रहमत को इम्तिहान नहीं कहते हैं ज़किया बेगम। आप इतने साबिर कैसे हो सकते? मैंने आज तक आपको कभी इतना बेबस या किसी के आगे झुकता हुआ नहीं देखा। दिल छोटा मत करो ज़किया बेगम, औलाद की खुशी के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। पर इंसान अंदर की तकलीफ तो जाहिर करता है ना। अगर रक्षंदा की बातें मुझे इतनी बुरी लगी हैं तो आपको कितना दुख पहुंचा होगा। तकलीफ तो मुझे भी बहुत हुई, मगर ये सोचकर बिल्कुल मेरे इत्मीनान है कि मैंने तमाम तकलीफें सहकर अपनी औलाद को सारी खुशियां दे दी। जानती हो, इंसान को मां बाप जैसी अजीम हैसियत कब मिलती है? जब इंसान में बर्दाश्त करने का, कुर्बानी देने का जज्बा उरूज पे हो। जब हम दर्द के बदले अपनी औलाद को तमाम खुशियां देने के काबिल हो जाते हैं। दुआ करो कि आइंदा भी औलाद की तमाम तकलीफें हमारे हिस्से में आए।
अल्लाह ताला हमारी औलाद की जिंदगियों को खुशियों से भर दे। गेम खेलोगी ना? अच्छी है ना, है ना? अच्छा मम्मी, कल अपो बिलाल के कमरे में क्या कह रहे थे? तुम भी वहीं थी ना? हाँ मैं वहीं था। और आपको पता है, आपको पता है अब वो क्या कह रहे थे? नहीं पता ना, लेकिन तुम्हें सब पता है, बताओ ना। पता है अब्बू कह रहे थे कि तुम बताओ ना। अरे मोनी, चलें, मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि बड़ा भाई और भाभी होने की हैसियत से तुम लोग शादी में शरीक होगे और अपना फर्ज निभाओगे। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। क्या मतलब है कोशिश करेंगे? आप अपना टाइम भूल गए? आपकी शादी में मैंने सब कुछ अपने सर पे उठाया हुआ था। हम मेरी बारे में सिर्फ कोशिश करेंगे? ऐसे नहीं चलेगा, आपको आना है और आप आएंगे। किसकी बातों में आ रहे हो बिलाल? ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, हम लोग शादी में जरूर आएंगे। जी तिरुवट। आई थिंक तुमने मुझे पहचाना नहीं। फहीम? यस। तुम तो उधर सखर नहीं चले गए थे? हाँ, चंद माह पहले ही कराची पोस्टिंग हुई है। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। यार तुम्हें बहुत मिलाया, तुम्हारा पुराना नंबर मुस्तकिल बन जा रहा था। सॉरी, वो कंपनी वाला नंबर होता है मेरे पास। कोई एक माह पहले तुम्हारे फादर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने तो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं उन्हें पहचान गया था। अच्छा। मैंने सोचा तुम्हारे बारे में पूछूं, वो जल्दी में थे लेकिन वो निकल गए। अबू मिले कहाँ तुम्हें? वो मेरे ऑफिस आए थे अपने घर की रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में। तुम्हें नहीं मालूम, वो अपना घर तुम्हारे छोटे भाई की बीवी मुस्कान के नाम ट्रांसफर कर रहे। नहीं, वो तो पता है मुझे। आई थॉट वैसे किसी और काम से चक्कर लगाया।
चलो काम करो, अपना पैसे लो। बंद करो इसको, बंद करो। आप आइए, जरा मुझे आपसे बात करनी। क्या हुआ बेटा? आप भी आइए ना, जरा बात करनी है मुझे आपसे। आइए। या हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। तब बेटा आखिर बात क्या है, क्यों इतने खफा हो? बेवकूफ समझते थे आप लोग मुझे। कितनी बड़ी खबर छुपा लेंगे आप लोग? हाँ, क्या समझा था आप लोगों ने? हमने कौन सी बात छुपाई आपसे? यही कि ये घर अबू मुस्कान के नाम कर चुका। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी भैया। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे। जिस ऑफिस में आप गए थे ना रजिस्ट्रेशन के पेपर तैयार करवाने, वो ऑफिसर मेरा दोस्त है। अभी अभी उसी के दफ्तर से आ रहा हूं मैं। क्या क्या भैया सच कह रहे हैं? अबू उनकी खामोशी से तुम्हें लग नहीं रहा है? अंदाजा नहीं हो रहा तुमको कितना मैंने समझाया था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देख लिया, अदनान हम बेघर हो गए। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि आप इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल सकते हैं। बेटा मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी फैसले की वजह से भाइयों में आपस में कोई लड़ाई। वो रक्षंदा भाभी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी और तुम्हारा भाई। सीधी तरह कहिए ना अबू कि आपको सिर्फ अपने लाडले की परवाह थी, बाकी सब जिए या मरे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी आप अबू से किस तरह बात कर रही हैं? ये इनका घर है, इनकी मर्जी। गुना ने मुस्कान के नाम कर दिया घर, तो उसमें कौन सी बड़ी क्यामत आ गई? आप सब लोग क्यों इतना बीच में बोल रहे हैं इसमें? इस घर में बराबर के हकदार हैं हम सब। आप किस हक की बात कर रहे हैं भैया? आप तो ये घर छोड़ के चले गए थे ना, और वो भी उस वक्त जिस वक्त अब्बू को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बकवास बंद करो। इतने बड़े नहीं हुए कि इस तरह मेरे से बात करो तुम। ठीक कह रहे खुर, तुम खामोश रहो बिलाल। पर अब्बू आपको पता तो ऐसे। तुम खामोश रहो,
बेटा मैं बहुत बेबस था। बेटा मैं ये मानता हूं कि मैंने तुम सबसे छुपा के गलती की है, तुम सबके साथ ज्यादती की है मैंने, लेकिन बहुत मजबूर था मैं। बेटा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना घर बचाने के लिए अपने बेटे की जिंदगी को दांव पे लगा दूं। बहुत बेबस हो गया था। बेटा हमारे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था, और आखिर बिलाल तुम लोगों का भाई है, अगर अगर इसे कुछ हो जाता खुदा ना खासा तुम लोग बर्दाश्त कर लेते? हालात जो भी हो अम्मी, शरई और कानूनी दोनों लिहाज से आपका फैसला गलत है, मान ले इस बात को। आपके फैसले ने जितना मुझे हर्ट किया ना, उसके बाद तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी अपनी बीबी बच्चों को लेके यहाँ से चला जाऊं। और आप बेफिक्र रहिए, आपके बेटे की खुशियां नहीं खराब करूंगा, फिक्र ना करें। बस मुस्कान के आते में यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ आपकी बहू के घर पे और नहीं रह सकता। चलो फरमा। अबू उस दिन आपने मुझसे सारे रिश्ते नाते खत्म किए थे ना, आज मैं आपसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूं। मौला मौला मौला, ये क्या कह रहे हो बेटा? बस चलो घर चले। ये जो अपना दिल नहीं लगता, जाने कैसा जिंदगी हमसे कैसा इम्तिहान ले रही है जलाल, कुछ कीजिए। मैं अपने बेटों के बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? मैं इस घर को मजीद टूटता हुआ नहीं देख सकती। हिम्मत करो ज़किया, जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे यकीन करो, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, मगर तुम्हारी ममता को किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगा। हैसियत नहीं है अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाने की, तो उसको पागलखाने भेज दें, क्योंकि ऐसे लोगों की जगह पागलखाने में होती है, घरों में नहीं। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। Thank you.
तीन साल से वादा कर रहे हैं कि आप मुझे उम्र पे लेके जाएंगे, आज तक नहीं लेके गए। हाँ, इस साल रिटायर तो होने दो, बस रिटायर हुआ, प्रोविडेंट फंड मिला और सीधा तुम्हें उम्र पे लेके जाऊंगा। और सिर्फ उम्र नहीं कराऊंगा, इंशाल्लाह हज भी कराऊंगा तुम्हें, देखना कॉफी अच्छी बनाई है आज तुमने इत्तेफाक से। क्या मतलब, हमेशा अच्छी बनाती हूँ इत्तेफाक से, वरना ऐसी बनाती हूँ हलक से नहीं उतरती, मलेरिया की दवाई पिला देती हूँ। एक तो आप किसी हाल में खुश नहीं रह सकते। जब एक पल में टूट ही जाए फिर एक पल में जुड़ते नहीं है ये रिश्ते भी, क्या रिश्ते नहीं है। जलता फलक है, जलती जमीन है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया। अब जो भी बात करनी है जरा प्लीज जल्दी कर ले, मुझे जाना है, काम है मेरा। तुम दोनों को बहुत शिकवा था ना मुझसे कि बहुत ज्यादतियां की हैं मैंने तुम्हारे साथ, तो आज मैं तुम दोनों को तुम्हारा हक दे देना चाहता हूं। ये मेरा प्रोविडेंट फंड है बेटा, जिसे आज तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया। अब ले लो, अम्मी अबू ने तुम्हारा हक दिया है। थैंक यू। बेटा जिंदगी भर में मैंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी मेरे पास था, वो तुम सबको दे दिया। बिल्कुल खाली हाथ हूं बेटा, अपने कुछ भी नहीं है मेरे पास। याद रखना बेटा कि दो जिम्मेदारियां मुझ पे अभी बाकी, एक बीमार बेटे की
और दूसरी बेटी की शादी। मुझे उम्मीद है बेटा कि तुम लोग मेरी ये जिम्मेदारियां कुछ असूलों से निभाओगे। आप फिक्र ना करें, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। जी अब्बू, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाथ से आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक बहनों की शादी में जो आपकी खिदमत कर सका जरूर करूंगा। जीते रहो, अल्लाह तुम सबको बहुत खुशियां दे। तुम लोगों को कभी किसी नजर ना लगे बेटा। जकिया, मेरे कपड़े निकालना, मस्जिद जाना है मुझे। जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं है ये रिश्ते भी, क्या रिश्ते हैं। नहीं है जलता फलक है, जलती जमीन है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला जरा हौले ही लाओ माँ झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला से ऐ जिंदगी। लम्हे गुजर जाएंगे आप ही, जितना कड़वा है तू उतनी मीठी है माँ, जाने तेरे बिना क्यों पिघल। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। अम्मी ने एक शर्त रखी है। शर्त? हाँ। क्या? वो चाहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ताया अब्बू को अपना घर मेरे नाम करना पड़ेगा। मैंने बिलाल की आंखों में देखा है, वो तुम्हारे लिए किसी हद तक भी जा सकता है। जिसकी वजह से मैं मर भी सकता हूँ उसका। कुछ नहीं होगा तुम। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, बड़े बड़े बादशाहों के तख्त लटवा दे। Thank you.
तुमने एक भी लफ्ज़ और कहा तो वरना क्या करोगे तुम? मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। जैसे आप चाह रही हैं बिल्कुल वैसे ही। मुस्कान जलील दुख्तर जलील अहमद, आपका निकाह बिलाल अहमद वल जलाल अहमद के साथ मुबलक 25,000 रुपए हक मेहर के इवज निकाह पढ़ाया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? देख रहे हो ख्वाब तुम? तुम वाकई यहां आ गई हो? मुझे ना मुझे दुल्हन देखनी है। कैसी लगी दुल्हन? बहुत अच्छी है। और तुम मेरी बात सुनो, एक बात बताओ मुझे, दरवाजा क्यों बंद किया था तुमने? हाँ हाँ बताओ। वो ऐसी बंद किया हुआ था। अच्छा अच्छा मुनी, आप अपने रूम में जाओ, सो मुझे नींद आ रही है काफी। पर मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मुझे तो तुमसे ना बहुत सारी बातें करनी, आजा चलो बैठो बातें। नहीं ना मुनी, लेट हो गया ना काफी, आप जाओ अपने रूम में जाओ। अच्छा ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। वो ना मैं एक बात कह रही थी, मुझे ना बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे ना आइसक्रीम खाने ले चले, आइसक्रीम खाने चले। मुनी टाइम देखो, बहुत लेट हो गया है, अब्बू डांटेंगे। नहीं मुझे अभी आइसक्रीम खानी है, हम रोज तो जाते हैं आइसक्रीम खाने, चलो आज भी खा लो। रोज जाते हैं लेकिन आज मैं थोड़ा सा थक गया हूँ ना, प्लीज बिलाल ले जाओ उसे। देखो मुस्कान ने भी मना नहीं किया, चलो 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 आइसक्रीम खा के आते हैं आज। मुनी 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 प्लीज देखो, सुबह मैं आपको ले जाऊंगा ओके, अभी अभी मैं बहुत थका हुआ ना। मुझे अभी आइसक्रीम खाना। मुनी मैं आपको लेके जाता हूँ ना हमेशा, आप इतनी प्यारी हो, ऐसे से थोड़ी करते हैं। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। पक्का कभी कर जाओगे? पक्का प्रॉमिस। बाय बाय। Thank you.
फिलहाल मैं ये ले लूं। हाँ अच्छा। मुस्कान ये तो 15,000 का है। तो मेरे पास 25,000 रुपए बचे हैं। और तुम्हें पता है ना मुनी के इंजेक्शंस भी लेना। ये क्या बात हुई? मुनी के साथ साथ तो मैं भी तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। वो तो ठीक है लेकिन समझा करो, अगर मैंने इंजेक्शंस नहीं लिए तो गलत हो जाएगा ना, उसे कभी भी दोहरा पड़ सकता। अगर गुंजाइश नहीं थी तो मुझे शॉपिंग के लिए क्यों लेके आए तुम? अच्छा अभी कोई सस्ता सा देख लो, मैं जब सैलरी मिलेगी तो तुम्हें ले आऊंगा वापस। मैं यही लूंगी और अभी, बाद में नहीं चाहिए मुझे। मैं पहले तुमसे कभी कोई इज्जत जीत सका हूं, जो अब जीतूंगा। ले लो बाबा, क्रेडिट कार्ड दो। थैंक यू। बस बेटा बस 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 बस, कहाँ रखी होती है? जहाँ रखी है वहाँ देखो ना। कहाँ? दराज में? किधर है? इधर ऊपर है। ऊपर वाली साइड में देखे। तुम फिर से पैर पकड़ो। देखे टाइम बहुत। मैं ले आता हूँ यार, हटो। आके ले आओ बेटा। बस बेटा बस। हाँ जाके। बस 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 बेटा बस। तुम्हें पता था ना कि मोने की दवाइयां खत्म हो गई? जी अब फिलहाल तुम्हें मालूम है ना मोने के इंजेक्शंस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी भाभी। तो फिर लाए क्यों नहीं, जबकि ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब तक ये जिम्मेदारी मेरी थी घर में हर वक्त 3 से 4 इंजेक्शन मौजूद रहते थे। वो हिचकिचा क्यों रहे हो? सच बताओ। वो अब्बू दरअसल। रहने दो बिलाल, तुमसे नहीं होगा, मैं बताती हूँ। ताया अब्बू, बिलाल के पास इंजेक्शन के पैसे खत्म हो गए। पैसे नहीं थे? जी खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए? ये कैसा सवाल है? आप अपने शादीशुदा बेटे से हिसाब लेंगी? पैसे थे, खर्च हो गए। बेटा क्या मतलब है कि पैसे खर्च हो गए? मोनी की दवाइयों की जिम्मेदारी तो बिलाल ने खुद अपनी मर्जी से ली थी। नहीं ताया अबू, बिलाल ने अपनी मर्जी से ये जिम्मेदारी नहीं ली थी। आपके लिहाज में उसने हामी भरी थी और इस बात का उसको अभी भी दुख है। बिलाल ये क्या कह रही है? मैं बात कर रही हूँ ना, मुझसे बात करें। तुम 2 मिनट चुप करो, मुझे अपने बेटे से बात करने दो। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती? बिलाल मुनी के इंजेक्शन और दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए खुदा का वास्ता है मेरे शौहर का खून चूसना बंद करें और अपनी बेटी की जिम्मेदारी खुद उठाएं। आपका बेटा अब शादीशुदा है, उसकी और भी जिम्मेदारियां हैं, और अगर आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं है अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाने की तो उसको पागलखाने भेज दें, क्योंकि ऐसे लोगों की जगह पागलखाने में होती है, घरों में नहीं। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, माँ
मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ।